मैं तो वैसे पूरा वीडियो एक साथ डालता, लेकिन इतने सारे कन्वर्सेशन हो गए हैं कि मैं स्पेशल होम साइंस का डाल दूंगा ये वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके बातें करके, स्पेशली मैम बहुत बहुत मैं तो चाहूँ इतना मैं फैन हो गया, मैं फैन हो गया। आप लोग लास्ट मैम के लिए कुछ वो बना रहे थे तो बनाइए प्लीज, मैं इसको शूट करूंगा। वो लुकिंग लाइक वाओ वाला पूरा आता है। हाँ ओके, नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला, आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएचयू पाठशाला बोलना चाहूंगा क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे बीएचयू पाठशाला हो गए, यानी उन दिनों से फॉलो कर रहे हैं जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। ये एक मुस्कुराता चेहरा फ्रेम में नजर आ रहा है, मतलब मुस्कुराता नहीं ब्लशिंग फेसेस में बोलूंगा क्योंकि तो सीधे मैं बात ही करता हूँ फाइनली, ठीक है, और जानता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस है आज का। मैम सॉरी मैम, हाँ मैम प्लीज प्लीज मैम प्लीज। ये है VCW होम साइंस डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपकी इतनी सारी जो छात्राएं आज फाइनली पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी हैं, और मैं आपको थोड़ा देर पहले से देख रहा हूँ, आप बहुत ज्यादा मतलब खुश हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश है, हमारे इतने सारे बच्चे आज पास आउट बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, और मैं इनके कैरियर के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आगे जाए मैम, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने से आगे जाने के लिए इनको प्रेरित कर रही हैं। मैम इन लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस आपके जो रहे हो दो सालों में, वो थोड़ा जानना चाहेंगे। एक्सपीरियंसेस की बात आप कर रहे हैं तो अभी जो हमारे यहाँ नेक की विजिट थी उसमें इन बच्चों ने का जो कंट्रीब्यूशन था, सहयोग कह लीजिए, जो भी शब्द आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, इतना ज़्यादा था क्योंकि इनके बिना हम वो नेक की टीम का कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो मैं सारे अपने ये स्पेशली अदिति, मनीषा, दिव्या, लकी पाठक, काजल पांडे, सारे ही मेरे अपने बच्चे हैं, कोई नाम से कुछ नहीं होता है, बट ये सब मेरे सब का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा। मैम ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे जान के कि आपको अपने स्टूडेंट्स के नाम तक पता है, मतलब अब थोड़ा एफएमसी में हार्ड हो जाता है प्रोफेसर नाम नहीं याद कर रख पाते। नहीं वो तो मैं देखा कि मैम इतना क्लोज होकर सेल्फी ले रही है लोगों के साथ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग हम लोग फैमिली की तरह फैमिली रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा मैम के बारे में कुछ बताएं, चलिए बताओ मैम के बारे में बताइए बिना डरे। मैम बहुत ही अच्छी है, लेकिन बस मैम जब पढ़ाती हैं तब बहुत डांटती हैं, लेकिन जब और आप कोई भी कुछ भी सलूशन मांगने जाइए या कुछ पूछिए, कुछ आपको वो करना, मैम बहुत अच्छे से समझाती हैं और बहुत प्यार करती है सभी बच्चों से। मेरी मैम सेल्फी क्वीन और रील्स की भी बहुत फैन है, और खासकर मेरी सबसे ज्यादा फैन है। बहुत अच्छी है, करियर में उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया है, बहुत ज्यादा हेल्प किया है, वो बहुत गाइड करती हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो कैसे आगे बढ़े, बहुत अच्छी हैं, ओवरऑल बहुत ही अच्छी है। और कुछ कहना चाहूंगी, मेरे मुझे मैम के साथ एकदम फैमिली वाली वाइब्स आती है, एकदम फ्रेंड्स के जैसे, आज तक मैंने ऐसी मैम नहीं देखी, मेरे करियर की ऐसी फर्स्ट टीचर है मैम। मेरे वर्क में बहुत सपोर्ट करती हैं, हमेशा मेरा नाम लेती रहती हैं अदिति ऐसे के, लेकिन मैम का पीछे से पूरा सपोर्ट रहता है, इनके बिना कुछ भी नहीं है। अरे और आप बताइए। हाँ मैम बहुत अच्छी हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड करती हैं मैम, वो दिखने में बहुत ऐसी लेकिन सोल की बहुत अच्छी है, और गाइड भी बहुत अच्छे से करती हैं हम लोग को, हमेशा हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं। मैं नंबर काट लूंगी, मैं ये करूंगी, तुम लोग क्लास नहीं आते, अटेंडेंस नहीं करते, लेकिन जब वन मैन मतलब ऐसा तो नहीं बिना पढ़ाई मार्क्स दे रही वो तो बिल्कुल ही नहीं पूछ लो। स्टार्टिंग में डेली क्लासेस करते थे, बट मैम हमेशा डांटती थी, अदिति पढ़ती नहीं, अदिति पढ़ती नहीं, बट मैम ने डांट डांट के पढ़ा दिया, मैम ऐसे नंबर दे, ऐसा कभी नहीं। अच्छा अच्छा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन को खूब अच्छे से बताती है, जो मुझे नहीं भी समझ में आए मैं बहुत बार पूछती हूँ, तो मैम वो हर चीज को बहुत ही अच्छे से बताती है। अच्छा मतलब ये वो स्टूडेंट है जो बार बार क्वेश्चनिंग करती है, मुझे चीजें नहीं समझ में, इनसे तो जरूरी है जानना क्योंकि आप क्वेश्चन करते हो आपको आंसर मिल जाता है। मुझे सारा आंसर मिलता है, और मुझे ऐसा आंसर मिलता है जो मुझे समझ में आ जाता है, मुझे जल्दी समझ में आती है। मेरा तो 5 साल
एक्सपीरियंस है बीए से पढ़ते हुए। बीए में हम टम्पो थे एकदम, मतलब एकदम शांत रहने, एकदम पीछे एकदम कोने में कॉर्नर बैक बेंचर टाइप्स, एकदम शांत शांत रहते थे। एमए में ऐसे हुए कि सबसे हाईलाइटेड लकी पाठक, लकी पाठक वो हमें लकी पाठक। अच्छा आप तो सीआर, और फाइनली अभी हम लोग इतने लोग से जाने, लेकिन क्लास के सीआर का क्या रिव्यू है मैम को लेकर, कॉलेज को लेकर? हाँ बताइए। एक्चुअली नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल पांडे है। मेरा भी एक्सपीरियंस 5 इयर्स का है, और मैम के ही थ्रू मुझे किया, मैं प्लेसमेंट में मुझे मिला, उन्होंने ही मुझे गाइड किया था। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जाऊंगी, लेकिन होम साइंस प्लेसमेंट भी एज अ सीआर मेरा प्लेसमेंट हुआ था, और 5 साल का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। जैसे उसने बताया ना कि वो भी डम्बो थी, मैं भी वही थी, मैंने अटेंडेंस के लिए बहुत डांट सुनी, मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, वो भी डांट सुनती थी, पढ़ाई नहीं करते मैं मतलब अटेंडेंस के टाइम में फर्स्ट ईयर में मेरा बिल्कुल होम साइंस में मन नहीं लगता था। देन उन मैम ने मुझे बुलाया, खूब डांटा, फिर मैं रोई भी, फिर मेरे पेरेंट्स को बुलाया, देन उसके बाद से जो मैं रेगुलर हुई हूँ आज तक, कभी मैंने क्लास नहीं छोड़ी है। बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा, बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे कि एक प्रोफेसर के लिए इतने सारे गुड विशेस आ रहे हो। भी लुक क्या वो कौन सा है, लुकिंग लाइक अ अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं नॉट लास्ट, एक क्वेश्चन बट फिर भी आप लोग को अगर चूज करना हो FMC और BCW किसको चूज करोगे? आप लोग अपने मन से कुछ बोलना चाहो, कोई कोई चीज, हाँ अपने एक्सपीरियंस से या जो बोलना चाहो, जिसको बोलना है बताओ। हमने BCW ही सिलेक्ट किया था क्योंकि यहाँ की मैम बहुत अच्छी पढ़ाती है, गाइड भी करती हैं, और जो भी लेक्चर देती हैं हम लोग को समझ में आ जाता है, 1 से 2 बार अगर पढ़ते भी हैं तो अच्छे से पेपर में हम लोग तैयारी कर लेते हैं। अच्छा एक बात और है, लाइक इस चीज का जो एक प्रूफ है वो नेक के टीम ने दे दिया इस कॉलेज को, और मैं काफी बच्चों से इंटरेक्ट होता हूँ, इतने सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, लेकिन BCW मुझे सच में बता रहा हूँ अभी तक टॉप पे लग के एकदम टॉप पे चल रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ डिपार्टमेंट तो FMC से ज्यादा अच्छा कर रहा है, और बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ और कोई बोलना चाहे, कोई बोलना चाहता है, कोई भी मैं उड़ीसा से आई हूँ, लेकिन इधर मैम उधर जैसे हम लोग को टीचर्स थे, इधर मैम जैसे आई मैं पूरा फैमिली की तरह लगा, ऐसे नहीं लगा कि मैं बाहर से आई हूँ, और उधर से भी ज्यादा मेरे को पूरा घर जैसे लगा कि मैम हर वक्त बोलती हैं कि कोई भी चीज चाहिए हो बेटा, कोई भी, अपना पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी चीज हो, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बढ़िया, मैम अच्छा गाइड करती है, अगर कोई गाइडेंस, कोई गाइडेंस को सीखना हो ना मैम से सीखे, इतनी अच्छी गाइड करती है वो। आगे के करियर के बाद डांटती है तो सबकी सिट्टी पिट्टी घूम रही है, सबकी मुंडी नीचे रहती है, कोई तारीफ भी नहीं सुनती अपने किसी भी बच्चों से अपने मुख। मैम शीशे को हीरा बना दे, ऐसी मेरी मैम है, जब डांटे तो कोई नहीं। अच्छा मैम आप इनके करियर के लिए क्या मतलब आगे रिकमेंड करते हो? मैं देखो ये बच्चों के इंटरेस्ट पे होता है, क्योंकि हमारे होम साइंस में कई एरियाज हैं, कई एरियाज हैं, ये हमारे कई एरियाज हैं, वो बच्चे जहाँ जाना अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग में बनाना चाहते हैं, इवेंट प्लानर होना चाहते हैं, बहुत से एरियाज हैं हमारे होम साइंस में। तो जब इनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है तब हम इनको बताते हैं, और बच्चे फॉलो करके आज हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। ऐसा नहीं है, हमारे सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छी जगह, डाइटिशियन है, प्लानर है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत हर जगह पे। अच्छा इसमें से कौन कौन रिसर्च के लिए आप लोग रेड कैप हो येलो कैप के लिए कौन कौन है? मेरा GRF क्वालिफाइड है, और किसका किसका फर्स्ट अटेम्प्ट में GRF? अच्छा आप कौन कौन रिसर्च पे जाना चाहता है? सारे बच्चे मेरे। अच्छा सब रिसर्च पे जाएंगे, तो अलग अलग कॉलेज को देख रहे हो या BHU को ही देख रहे हो आप लोग? BHU को PhD भी करे। अच्छा तो मैम अभी आप अपने कार्यकाल में इन लोग को लेने वाली है, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और इनके आजाद फाइनली मैम अब मैं तो ऐसे पूरा वीडियो एक साथ डालता, लेकिन इतने सारे कन्वर्सेशन हो गए हैं कि मैं स्पेशल होम साइंस का डाल दूंगा ये वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके बातें करके, स्पेशली मैम बहुत बहुत मैं तो चाहूँगा इतना फैन हो गया।
मैं फैन हो गया। आप लोग लास्ट मैम के लिए कुछ वो बना रहे थे तो बनाइए प्लीज, मैं इसको शूट करूंगा। वो लुकिंग लाइक वाओ वाला पूरा आता है? हाँ ओके, ओके बढ़िया सा। एक बार जयकारा लगाते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।